मारने लगी। हाँ। बच्चे किसी को चोड़ने लगी, मेरे तो ने घर छुईबे लगाए। ढम ढम की आवाज आ रही है ना आजकल गांव में जो होता है। रुको भैया, रुको रुको रुको, ये ऐसे क्यों सर मारे हो हैं? लोग यहाँ पर पहुँचे, ऊपर से वो चट्टान टूटी। हेलो चाची आएगी ना? आज खेत में मन उदास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर लक्षण देखो दोस्तों, बिल्कुल बहुत ही बड़ी चट्टान गिर कर आए ऊपर से। बड़ी ठीक है तुम? तो दोस्तों इनका छुई क्या लगा ना, मैं क्या बोल रही थी कि ब्राह्मण आया तो एक सेकंड में इधर पार हुआ। हम उत्तराखंड सरकार से यही अपील करते हैं कि हमारे लिए एक महीने की हो चुकी है और काफी जो हमारे पूर्वज कहते हैं वो मेरा नाम है पीयूष सिंह, ये माता स्कूल में। जय हो मामा ठाणा की। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, पहला, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, मस्त होंगे और परिवार के साथ व्यस्त होंगे। हम लोग बिल्कुल ठीक हैं आप लोग के सामने। बड़ी ठीक से तुम? हाँ वो ठीक से तुम? तुम जाने पर अच्छा को पसबारी बारी तो बता दे गांव में लगी जे मो बिन रकम पहुंच बिन आ पर। हाँ। मैं दवा लगने आ जाऊं तो मेरा बुजुर्ग वाणा बाद भी पूर्ण मजे आ रहा ना के का लोडा आने तो कहता मन भी आशा गई जो ये तो कौन कौन की कौन पर पड़ पड़ी रो का रो खानी लो कौन नहीं बोन ना 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 आपको सगा दा नंबो का गा दा ना आता कौन तो चाहिए कुछ बना बपड़ी उमर हो जा रहा। अब तो बैठ रो जा रहा बैठ रो लू बार में कहीं कन जा भी जंगल बोल अब ना सबना भीतर छोड़ बोलू आज भी छोड़ बोलू तब। तो दोस्तों ये हमारी बुजुर्ग बड़ी जी है और ये बुआ जी। हाँ। देखो इस उम्र में भी चलने लगे हैं और दोनों ने लट्ठे पकड़े हुए हैं। हाँ। तुम दमा तुम्हारा खोटे पेड़ा तो पेड़ भी उन्हें बोली पेड़ा खोट पेड़ा ये अपने बुआ हैं। हाँ। और नान तो कुछ अमार पुंगड़ फोट का आरु के खाना मन सुंगरन तन कर सुंगरन सब पके ली सर। बस कावड़ मेहनत का ना मेहनत का ना कुछ नहीं रखे पुंगड़ फोन दौना तक वे या दौन के दौना मन आमन बिके खान नहीं आमन बिके खान वो सरकार भाई जे जो नाम बता रुपए दे दो तो जी सरकार कर दे उत्तराखंड सरकार है। हां उत्तराखंड हम तो कुछ करबो ना कुछ करबो ठाकुर आज बड़ा मत बता ही कुछ करबो। हां बिल्कुल चलो ठीक है चल भाई जाओ। तो चलिए जी दोस्तों अभी हम लोग खेत में पहुंच चुके हैं। हेलो भाभी जी, हाय, कैसे हो आप? बस मस्त है। आज काफी दिनों बाद भाभी मेरे ब्लॉग में दिख रही है और हम दोनों आज पहुंच गए हैं खेत में। तो इस वाले खेत में मन उदास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर ना सुअर आया हुआ है और ना ही लंगूरों ने ज़्यादा नुकसान किया हुआ है। काफी अच्छा झंगोरा यहाँ पर आप लोग को दिखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आप शुरू करते हैं लवाई। ये देखिए दोस्तों आज ना इस वाले खेत में काफ़ी अच्छा झंगोरा पका हुआ है जो कि देखो सीधा ऐसे ही हाथ पे आ रहा है। बाकी हमारा खेत उधर पे तक है, उधर से साइड लोगों का है और यहाँ ऊपर पे ठीक है हनुमान जी का मंदिर, जय हो बजरंग बली की। और यहाँ पर ना आंगनबाड़ी का स्कूल भी है जिसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं। दो बकरियाँ भी यहाँ पर अभी चल रही हैं। भाभी जी यहाँ पर झंगोरा ला रही है। भाभी जी कैसा हो रहा है? अच्छा है, बल्कि धूप नहीं है यहाँ। तो देखिए दोस्तों ये ऊपर ठीक मेरा गांव है मात गांव भरदार। तो अभी थोड़ा क्योंकि आजकल आपको पता ही है सावन के में हर जगह हरियाली हरियाली रहती है, थोड़ा कम ही दिखाई दे रहा है। बाकी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दो केले के पेड़ हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग जो झंगोरा है उसकी लवाई हमने कर ली है, लेकिन डकार भी आने लगे क्योंकि हमने खाए यहाँ पर टेढ़े मेढ़े। हम दोनों ने टेढ़े मेढ़े ला रखे थे खेत में और एक ककड़ी भी ला रखी है। ककड़ी अभी नहीं खाएंगे, ककड़ी तब खाएंगे जब पूरा काट के पेड़ पे लगाएंगे। तो अभी हमें ये नीचे का जो झंगरेट है थोड़ा घास के लिए निकालना है और थोड़ा पेड़ पे डालने के लिए। हाँ, और आज हम इस खेत पे जो काम है वो समाप्त करके जाएंगे। तो चलिए दोस्तों करते अपना काम शुरू। भाभी थकान भी लग रही? नहीं, धूप कितनी हो रही? धूप नहीं है इस वाले खेत में, इस वाले खेत में धूप बिल्कुल नहीं क्योंकि यहाँ आगे पूरे पेड़ पेड़ हैं तो छाया है, तो छाया में काम करने का मन अच्छा ही करता है। तो भाभी और सुनाओ कैसा है आपका दिनचर्या? स्वस्थ पानी कैसा है आपको? स्वस्थ पानी बस अभी भूख लग रही थी यार, अभी खाना खा लिया पेट पिज्जा खा लिया, अभी लंच हाफ लंच खा लिया, अब हाफ लंच घर में होगा ना। वैसे टेढ़े मेढ़े भी काफी भूख मिटाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप क्या कटाई? जंगरेटा
जनरेटर उलाना बोल रहे हैं जिसे, तो हो जाए अब शुरू क्यों भाभी। तो चलो दोस्तों अभी हमने पूरा खेत जो है वो खाली कर लिया है, बाकी ये मैंने घास का बारा लगा लिया है और जो झंगरेटा हमने काटा था वो हमने पेड़ पे लगा लिया है। और यहाँ पर जो है भाभी का थैला है झंगोरे का, बाकी वो सारे लोगों का खेत है यानी कि ताई जी का खेत है। और अपना खेत का जो क्लियर काम था वो हमने पूरा कर लिया है। बाकी आपको जो ढम ढम की आवाज़ आ रही है ना, आजकल गाँव में जो होता है ना वो होते झंगोरा मंडुआ है तो उसको कूटा जाता है, एक मोटे इतना मोटे डंडे से कूटा जाता है। तो किसी के घर में दो होंगे, किसी के घर में एक होंगे तो एक ही आवाज़ आएगी, दो होंगे तो दो ही आवाज़ आएगी, घम घम की आवाज़ आती है भयंकर ही। बहुत ही मेहनती लोग होते दोस्तों पहाड़ी लोग। चलिए आप झंगोरे को लेकर चलते हैं घर की ओर। बाकी ये रहा भाभी का थैला, भाभी थैला की थैला थैला गिर गया ऊपर ही संभाल रहे हैं ना, टाइट नहीं है, रुको। कितना भारी हो रहा भाभी, हल्का है। तो इतना ही झुंगरा फिलहाल खेत में हुआ, तो चलते हैं आप अपना भाड़ा उठा लेते हैं, लगभग 12 बजे का टाइम भी हो ही गया। 10 रुपये लो। बाकी अभी सारे लोग अपने घरों में खाना बना रहे होंगे, काफ़ी बड़ा गांव है हमारा, वैसे दिखता थोड़ा कमी है यहाँ से। तो चलिए दोस्तों चलते हैं घर की ओर। अभी ना दोस्तों मैं यहाँ पर आपको ना सांप की जो केंचुली होती है जिसे हम पहाड़ में खल्ला बोलते हैं, तो वहाँ पर यहाँ पर वो दिखाती हूँ मैं अभी आपको। देखिए दोस्तों इसमें ना मेरा पाँव लग गया, मैंने गलती से देखा ही, देखो यहाँ से मुड़ी हुई है ये और ऊपर घास में देखो भाई कितना भयंकर लग रहा है। इसकी केंचुली देखकर इतना भयंकर डर लग रहा है, और सांप होगा तो मैं तो मर ही जाऊँगी भाई। अब देखो दोस्तों इसको सही लगाती मैं घास को ही, देखो नहीं है भाई, नहीं खतरनाक। चलिए जी अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और सभी का ये सवाल रहता है हर किसी से कि जो क्यूट पहाड़न जी हैं उनके जानवर यानी कि उनके जो मवेशी हैं वो क्या क्या हैं, गाय बच्ची क्या क्या हैं। तो आइए दोस्तों आज मिलाते हैं अपने प्यारे प्यारे गाय बच्चियों से। तो चलिए सबसे पहले मिलाते हैं अपने नंदी महाराज जी से, जिनके अभी कान में खुजली हो रही है और अपने कान में खुजली करे जा रहे हैं। हेलो नंदी, ये हमारी नंदी जी है गाइस, जो कि लगभग एक महीने की हो चुकी है। हाँ कितनी प्यारी बच्ची हमारी, अभी ये घास नहीं खाती है। रुको भैया रुको रुको रुको, ये ऐसे क्यों सर मारे हो हैं। तो दोस्तों ये हमारे छोटे छोटे भाई लोग हैं और इनका गाना आपने सुना होगा। रुको भाई क्यों जा रहे हो, रुको रुको, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पीयूष। पीयूष, और आपका नाम, अपना नाम बता दो। दिव्यांशु। दिव्यांशु, काफी शर्माता है हमारा छोटा भाई, लेकिन गाना इनकी आवाज बहुत ही प्यारी है। हेलो छोटा भाइयों, हेलो कौन करेगा, कैसे हो आप? ठीक है जी, ठीक छे ना, घर में सब राजी खुशी? हाँ। अच्छा ये बाबू दीद मिले दिया, कभी तो बोल दिया यो शायरी बोल दिया हो जाए तो बोल सुन ले बाकी तुम तो गाने क्यों नहीं यह कहाँ लोगो अंग्रेजी हिंदी अंग्रेज नहीं हे तू तो अंग्रेज को बड़े नार तो ही तो ते कौन क्यों तुम तो बोल है लचर तो बोल क्यों दे। मेरा नाम है पीयूष सिंह, ये माता स्कूल में बहुत ज्यादा दिन। देखिए दोस्तों इस और हमारी छोटी बहन भी लगी हुई है मुंडवे की लवाई करने पे। हाँ बड़ी ये बैठे हो आप नीचे, तो आप रुक जाओ। हेलो चाची आएगी ना, अच्छा ये दादी शिवम दास दादी की स्माइल देखो। हाँ आयुष्मान भाव बोल आशीर्वाद ठीक छो तुम भाई? अच्छा घर में सब राजी खुशी? बहुत बढ़िया है, बड़ी कॉमेडी दादी जी हमारी। अरे तुम जी दादी बकरी के साथ? बकरी के साथ, ओहो बकरी पालन है दादी का, आहा बड़ी गर्व की बात है दादी जी। अच्छा और सब ठीक? और सब ठीक है। अच्छा चलो मेरे साथ घूमने। हाँ चलो 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 चलो। तो दोस्तों ये है मेरी
दादी जी। तो कैसे हो दादी जी आप? बहुत ठीक, बहुत ठीक। अच्छा, घर में सब राजी खुशी? राजी खुशी सब। अच्छा, अब आ जाए तुम बकरी दे, बकरी दाड़ी। अच्छा, देखो दोस्तों, बड़े ही गर्व की बात है कि जो हमारी पहाड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं, मात्र शक्ति हैं, उनका अपना काम है, यानी कि बकरी पालन भी है ताई दादी जी का ना। और परसों मेरा जो मनरेगा काम चल रहा था उसमें दादी जी भी आ रखी थी। इतनी बुजुर्ग भी काम कर रही है हमारी दादी जी, और बड़ी हंसाती है। और दिन में जब दादी जी कहीं जा रही थी तो मैंने आवाज़ सुन ली थी, मैं सो रखी थी लेकिन मैं दादी की आवाज़ सुन ली थी। अच्छा। और मम्मी के पास बोल रही थी, बोल के तुमने घर छुई में लगाई। ठीक दादी, बाय करीमा, बाय बाय माँ। ठीक राज खुश रहे? ठीक राज खुश रहे। हाँ ठीक, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, जा जा। तो दोस्तों, हमारे पहाड़ की जितने भी मात्र शक्तियाँ हैं सभी अपने कारोबार पर लगी रहती है, और हमने भी उन्हीं से सीखा है हमेशा जीवन में व्यस्त रहने का। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की ओर। अभी दोस्तों मम्मी और भाभी और मैं जा रहे हैं दूसरे वाले खेत में, दोपहर के टाइम पर, जो खेत हमारा ठीक रास्ते के नीचे पर है, जहां हम बिछलखाड़ बोल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी मम्मी और भाभी जा रही हैं मंडुए की लवाई करने के लिए। तो जो ये वाला खेत है ये हमारा है, इसमें हमें लवाई करनी है मंडुए की। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे की ओर। इस वाले खेत में हमारे जो है सूंगर ने इतना नुकसान किया हुआ है कि क्या ही बताऊँ मैं। जो मंडुआ है मैंने इतना काट लिया है, ड्रम पे रखा हुआ है मैंने मंडुआ, और मम्मी और भाभी उस साइड है, तो जो मंडुआ है उसे नीचे बैठ के निकालना पड़ रहा है। और बाकी जो अच्छा खासा पका हुआ था उसने पूरा खा रखा है, और मम्मी इतनी गाली दे रही है सूंगर के लिए। मम्मी दे रही है ना गाली? है मम्मी, गाली क्यों दे रही है सूंगर के लिए? ये के डाल दी के ये तुमने उस टाइम से इतना ही काटा? हमारा फुल, मेरा देखो फुल भरने वाला ड्रम, फुल भर गया। ये देखो पहले, हाँ मैंने देखो पहले, बिल्कुल भी खाली नहीं है ड्रम पे। देखो इनके लक्षण देखो दोस्तों, बिल्कुल मरीज होकर काम करते हैं दोनों के दोनों। ये देखो पहले काम मिली भाई, काम मिली। ओ मैं गाड़ी जो के खोजो, जहाँ मैंने निकाल रखा है वही खोजने जा रहे हैं अब। मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। तो चलिए जी दोस्तों, अभी मैंने खेतों में आकर किसानों की तरह मुनी मुनी ऐसा लगा रखा है, जैसे क्या बोला मेरे बाल लड़के लाने बना गडवाल में जन लगा हिंदे में तो क्यों बाल रो हाँ इनके लाने सुन कौन आई है बात तो दोस्तों इनका छी क्या लगा ना। मैं क्या बोल रही थी कि मैंने किसानों की तरह अपने सर में जो मुंडियासा लगा रखा है। तो आपको सभी को पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो अभी हम लोग आ रखे खेतों में, लेकिन क्या बताएं, सभी लोग हमसे बोल रहे हैं कि ऋतु वीडियो बनाओ इन खेतों की। हम उत्तराखंड सरकार से यही अपील करते हैं कि हमारे लिए कुछ करें, कुछ चीज़ इतने चीज़ें नुकसान हो रही, इतने खेतों में नुकसान हो रहा है, इसके लिए कुछ करें, या फिर हमें घेर बाढ़ के लिए कुछ दे सरकार से। ये हम भी यही अपील करते हैं दोस्तों उत्तराखंड सरकार से, कि काश ये वीडियो उत्तराखंड सरकार तक जाती और वो हमारी वीडियो के तहत हमारे इस पहाड़ के लोगों को कुछ लाभ दे पाती। क्यों मम्मी? बिल्कुल हाँ, अब खेती बाड़ी तो हमारे तो पूरी खत्म हो चुकी है। बिल्कुल, अब क्या खाएंगे हम, भूख से मर जाएंगे भाई। बिल्कुल दोस्तों, खेती बाड़ी तो बिल्कुल ख़त्म बात है। और दूसरी हम बात करते हैं अपने पहाड़ी रोज़गार के लिए। पहले क्या होता था, जो पहाड़ी महिलाएं हैं सिलाई बुनाई करके भी अपना घर का मतलब वो चला लेती थी। क्यों मम्मी, सही बोला ना? इसमें डाला मैंने। और अब क्या हो गया दोस्तों कि नए नए मॉडर्न के कपड़े आ रहे हैं, जिससे कि पहाड़ी महिलाएं जो होता उनका जो बुनाई और सिलाई का काम था वो रुक गया है, जिस वजह से अब उनके पास वो रोज़गार भी नहीं है। क्यों भाई, बिल्कुल सही बोला ना? बिल्कुल सही बात है। हाँ क्या करें, अब इंसान आलसी हो गया है। आलसी भी हो गया, और सारे काम जो है मनुष्य के, टेक्नोलॉजी ज़्यादा हो गई है। हाँ, जो मशीनें हैं सारे काम वही कर रही है, मनुष्य के हाथ में अब कुछ भी नहीं रहा। क्यों, बात सही है भाई? बिल्कुल हाँ, धीरे धीरे जो मतलब हमने काम करने थे वो मशीन कर रही है, और क्या खाएंगे हम लोग, हम तो सच में भूखे ही मर जाएंगे। पहाड़ी लोग जितने भी खेत पर आधारित निर्भर रहते हैं सब भूखे ही मर जाएंगे। भविष्य में ऐसा होगा, बल्कि इंसान के पास कुछ भी रोजगार नहीं रहेगा। बिल्कुल, जो काम करेगी मशीनें करेगी बस। चलिए दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उत्तराखंड सरकार तक हमारे पहाड़ी लोगों की अपील पहुंच पाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ना काफ़ी बड़ी आपदा जिसे हम बोल सकते हैं, काफ़ी ऊपर से एक पहाड़ टूटा है जिसने काफ़ी पेड़ों को नुकसान पहुँचाया है। मैं बताई हो तुम थे बड़ा जी? हाँ, 8 बजे यहाँ पे पत्थर गिरा ऊपर से। कितना बड़ा पहाड़ टूटा? हाँ 8:15 बजे। 8:15 बजे हाँ, इतना भयंकर है वो, नीचे है वो पत्थर।
नीचे गया। हाँ। कितना मतलब बड़ा पत्थर था। हाँ, ये पेड़ तोड़ा ना वो वहाँ से खिसका। हाँ ऊपर से पूरा ऊपर से। हाँ। आपने देखा यहाँ पे काफी लोग थे इतना है। एक ब्राह्मण आया तो एक सेकंड में इधर पार हुआ। आज आज सुबह हैं उन्हीं जो मुक्के मुक्के मुक्के। अच्छा वो जबर भी गया डॉल भी आए। हाँ देखिए दोस्तों भयंकर। देखो पूरा जो खेत की दीवार होती है पूरी टूट रखी है। और ताऊ जी बता रहे कि 8:15 ऊपर से है पूरे पेड़ तोड़ रखे उसने ऊपर। और ये पाइप देखिए कितना मोटा पाइप मोड़ रखा है। तो देखिए दोस्तों इतना बड़ा गड्ढा हो रखा है। अच्छा तुम घर जाए था बच्चे वो कीड़ भी चाहे वही भाग रहता है। हाँ यहाँ पे 2-3 और रहते थे वापस चले गए। हाँ काफी खतरा है ताऊ जी हमारे पहाड़ में ना। काफी मारने लगी। हाँ बच्चे किसी को चोट नहीं लगी। देखो हाँ बहुत अच्छी बात है। देखो डोला है बोले बेटा इतना खतरा है। हाँ बहुत खतरा है। ठीक है हमारे ताऊ जी झंगोरा लेके आ रहे हैं। ताऊ जी तुम पेड़ को तोड़ दिया उसने मोटा। हाँ बहुत ही बड़ा पेड़ तोड़ा है उसने। देखिए दोस्तों हमारे पहाड़ों में आजकल बहुत ही ज्यादा खतरा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते कितनी गहरी खाद रो रखी है। और यहाँ पर ये पाइप देखो कितना मोटा पाइप पूरा मोड़ रखा है। ऊपर से देखो सारे पेड़ टूट रखे हैं। और यहाँ पर बल लोग थे बल थोड़ा ही बचे बल बताओ। और नीचे की हम बात करें ये देखिए यहाँ से होकर टकरा कर पूरा जो खेत की दीवार होती है जिसे हम पहाड़ में पगार बोलते हैं वो तोड़ दिया उसने पूरे। देखो ये देखिए दोस्तों यहाँ से गया वो नीचे। ये देखो यहाँ पर आप लोग देख। तो दोस्तों जितना हमारे पहाड़ों में सुकून है और जितने हमारे पहाड़ के दृश्य एकदम अद्भुत और सुंदर नज़ारे हैं जितने हमारे पहाड़ में खतरा ही उतना ज़्यादा है। सुबह 8:15 वाले यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी चट्टान गिर गया है ऊपर से। ऊपर पर काफ़ी पेड़ टूटे हुए हैं वहाँ मैं नहीं जा सकती हूँ क्योंकि यहाँ पर भी डर है अभी ओ भयंकर। और यहाँ पे देख कितना मोटा पाइप है पूरा मोड़ रखा है। और यहाँ पे देखे कितनी गहरी खाई हो रखी है। तो यहाँ से टक्कर कर और नीचे तक गया तो यहाँ पर बल ठीक लोग यहाँ पर पहुँचा ऊपर से वो चट्टान टूटी बल। तो बताओ दोस्तों इतना खतरा हमारे पहाड़ों में फिर भी पहाड़ी महिलाएं मुश्किल से मुश्किल कामों को भी कर लेते हैं। क्या करें दोस्तों किसी की बकरी जा रही थी बल यहाँ से कोई ब्राह्मण आ रहे थे बल बताओ यार। अभी मैं अपनी रसोई घर में बैठी हूँ और मैंने कढ़ाई पे सब्जी लगा दी है और हमारी सब्जी बनती है आजकल खीरकंडे की सब्जी। नीचे की साइड भाभी जी आटा गूंद रही है और हम दोनों मिलकर ही रोटी बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों काफ़ी टाइम हो गया यानी कि 7:30 होने वाली है और लगभग 9:30 तक हमारा खाना हो जाता है रात का। तो आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप लोगों को अगले ब्लॉग में। जो भी गलती होगी मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी और आप लोग जो भी मेरी गलती होती है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्योंकि अपनी गलती ही से ही मनुष्य सुधरता है बोले। तो क्या पता मुझे जो मेरी गलती होगी मैं उस गलती को सुधार लाऊँ गलती में सुधार लाऊँ। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं भी समाप्त करते हैं और मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय मामा ठियाणा। शुभ रात्रि दोस्तों। जय हिंद जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय।